सुनिए ना, हमरे भी घर में एक ठो शादी है। लोग बोल रहे हैं दुल्हन अभी तक नहीं पहुंची, कब पहुंचेगी? बोलिए ना। कल परसों में पहुंच जाएंगी। बस दुल्हन से कहिए कि अपनी सास से दूर रहे, वरना पहुंच नहीं पाएंगी टाइम पे। और वैसे भी सारी गलती दुल्हन की है, इतना उलझ गई अपनी सास के साथ कि ध्यान से निकल गया कि एक आध दिन में वापसी है। पता है, मुझे तुम्हारी बिहारी रिचुअल से इतना डर लग रहा था, लेकिन माँ ने सब कुछ कितना कूल कर दिया। नहीं, मुझे हमेशा लगता था कि कोर्ट मैरिज और भाग जाने के अलावा कोई और चारा ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सब कुछ कितने अच्छे से, कितने प्यार से हो गया। नहीं, ऐसे लगता है कुछ इम्पॉसिबल सा अजीब हो गया सच। पार्टी वाली रात की थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गया ना। थोड़ा 2 दिन रुक जाते तो पहाड़ नहीं टूट जाता, लेकिन नहीं। ऑफिस में अप्रेजल चल रहा है ना माँ, ज्यादा छुट्टी मार लेना तो सैलरी नहीं बढ़ेगा। बड़का सैलरी चाहिए इनको, माँ बाप से बढ़कर है पैसा। यार ये फिर डिस्कनेक्ट हो गया, क्या हो गया? अरे वो वेब चेक इन करा रही है ना माँ, वो इंटरनेट सुबह से डाउन चल रहा है। एक काम करो, डिटेल्स हमको भेज दो, हम साइबर कैफे से करा के लाते हैं फटाफट। कोई कहीं नहीं जाएगा, 4 घंटा बचा है, उसमें भी साइबर कॉफी जाएंगे। दुल्हन, तुम छोटू को फोन घुमाओ, वो करवा के ले आएगा। दुल्हन तुम छोटू को फोन घुमाओ, वो करवा के ले आएगा। पिंटू देखो, एक तो प्रिंट आउट आया होगा। कार झुंझुना रखे हो, एक को बटन नहीं टिपा रहा है, ठीक करवाओ। अभी ठीक करो। काम नहीं होता ना तुमसे सही से। भौंको। भौंकेंगे नहीं भैया, सीधा काटेंगे। का भैया, इतना बुर्बक बूझे हैं आप हम सब लोग को? जाटनी के लड़की को राजपूत बनाकर आप घर पर लेकर आए हैं। हराने वाली भी जयपुर की है ना वो? ई करवासरा। भाई भाई भाई, बात तो सुनो। आराम, टेंशन मत लीजिए। तो बाबूजी, बड़का बाबूजी, बाबा मम्मी सबके बीच में बैठ कर ना एकदम इत्मीनान से प्यार से बात हो। बाबू साहेब, बाबू साहेब हमारी बात सुन। हाँ, कहाँ पहुंचे ये तो बताओ। आ रहे रास्ते में। आदु, छोटो सब कुछ जान गया है, जो सामान हाथ में आता है उसको पैक करो, तुरंत निकलना है। जान गया मतलब क्या? संजू,